गिरजा का घरा दारू। शर्म नहीं क्या हुआ तेको मर्द क्या इसे चेंज करा देखत? कौन मर्द? अरे हम मर्द और की? हम कहे दिखब आपके, हम तो खुद ही चेंज करत रहनी, हमके पता ही ना चलल की आपका बहली चेंज कइल। एकरा कहल जाला तू कहां चेंज करत रहलू? और हमके पता बा, हमके पता बा, पहले से ही तुहार बुरा नजर हमरा पे रहे। हम आपके स्टूपिड फैंस की तरह ना बनी जे आपके देखे पागल हो जाले। ए झूठ बोले की जरूरत नहीं थे, घुमा फिरा के बात मत करा, सीधा बात कर। कब पर वीडियो रिकॉर्डिंग करत रहलू तू? हमारा एमएमएस बनावत रहलू ताकि तू हमके बाद में ब्लैकमेल कर सका। का बोल रहल बानी आप? कुछ शर्म ना आवेला आपके? एमएमएस बनावत तू और शर्म करी हम? का एमएमएस बनाई? इतना बात टी शर्ट बदल चुकल बानी आप हमरे सामने? तका अब तू हमार और इंतजार करत रहलू? एक सेकेंड, तोरा पता रहे ना कि हम टी शर्ट बदलत रहनी, एकर मतलब तू हमरा के देख लू। लेकिन तू तो कहलू कि तोरा पता ही ना रहे कि हम अंदर कब आईनी। ना ना हम कहनी कि हमके पता ना चलल कि आप अंदर कब आइला। तो जब पता चलल तब तब बोल सकत रहलू ना। लेकिन ना तू अभी भी हमके रिकॉर्ड करत रहू, एमएमएस बनावत रहू। अरे पागल एमएमएस ऐसे ही फैलेला, फोन तो हमके वो डिलीट करे के बा। एमएमएस बनाइब हम इली चेक कर ल, बैटरी चेक कर ल, मेमोरी चेक कर ल, सब कुछ चेक कर ल, कुछ ना बनवनी हम। अरे फोन लॉक्ड बा, एकर पासवर्ड का बा? पासवर्ड पासवर्ड तो दिहल नहीं के। एला हम सोचने की तरह के फोन पे बतावे से अच्छा होगी कि तरह से तार घर पे मिलके बताएं। हाँ वो तो तू अच्छा कहलू, मगर हमके अभी समझ में ना आ रहल बा कि वो प्रज्ञा तोरा हेल्प कहे कर रहल बिया। कहाँ मिली ओकरा के? कत जे तोहर दुश्मन रहे वो आज तोहर वेल विशर बन गए? नो निखिल, वो हमार वेल विशर ना बनल बिया। ओके मतलब बात सिर्फ अपने आप से, अपन कॉन्सर्ट से, अपन पैसा से। ओ हमार हेल्प करे ला तैयार ना भइल बिया, हमके ओके मनावे के पड़ल। हम बड़ा स्मार्टली ओके रीजन दे देनी कि हो सकेला ब्लैकमेलर के पास हमार मूव पिक्चर होगी, जे अगर मार्केट में आ गई तो हमार बहुत बदनामी होगी और हमरे साथ साथ अभी की भी बदनामी होगी, जेकर डायरेक्ट असर ओकर करियर पे होगी। और प्रज्ञा इतना बड़ रिस्क ना ली, सो आई डोंट थिंक कि ओके हमार सीक्रेट से कुछ लेना देना बा। ओके मतलब बात सिर्फ अपन प्रॉफिट से, ओकर प्रायोरिटी हो कॉन्सर्ट के हिट करवाई, ओकरे बाद हो सकेला कि वो ब्लैकमेलर के पकड़वावे में हमार हेल्प करे। सो आई रियली डोंट थिंक कि वो हमरे साथ कोनो गेम खेल रहल भी। कम ऑन निखिल, अब का सोच रहल बड़ा तू? कबो कबो गलत लोग के तरफ से भी पॉजिटिव चीज हो जाले। निखिल ई मौका के हमनी के पूरा फायदा उठावे के चाहिए और ई ब्लैकमेलर के मैटर आजे खत्म कर देवे चाहिए। ठीक बा, आई थिंक यू आर राइट, हमनी के रिस्क लेवे के ही पड़ी, एकरे अलावा हमनी के पास कोन ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ई हमनी के लास्ट मौका और ई है हमनी के लास्ट होप। ठीक बा, पर तू पूरा तरह से रेडी रहिया, हम पूरा तैयारी के साथ वहां कंसर्ट में जाइब और अगर कुछ गलत होकी तो हमारा आदमी लोग क्राउड के बीच में होइए, कोनो भी प्रॉब्लम हो गेल तो संभाल ली है। लेकिन तनु वहाँ क्राउड काफी ज्यादा हो सकेला, ऐसे में के आपन है के पराया है ये जानल बहुत मुश्किल हो गया। यही खातिर फॉर हैविंग सेक तू भी तनी ध्यान रखिया। हमके का ध्यान रखे के बा? कबो तो तू अपन दिमाग यूज भी कर करा, बस ऑर्डर दे दलू, बस रिजल्ट चाहिए। वहाँ पे हमरे आस पास मडरात मत रही, कोनो भी काम होगी तोरा जरूरत होगी तो हम तोरा खुद खोज ले। ठीक बा, एटलीस्ट ये कर सके लू? हाँ ठीक बा, तेरे साथ रहे के भी के चाहेला, हम तभी के साथ रहे चाहब, कहे कि आज कॉन्सर्ट में जे होखे वाला ओकर हम कब से इंतजार करत रहनी, ई दिन हमके हमेशा याद रही। और जब प्रज्ञा के साथ होखे वाला है ना ओके भी ई दिन हमेशा याद रही। दी ऑलमोस्ट सब काम हो चुकल बा, लाइटिंग, एग्जिट, एंट्री, पार्किंग, सिक्योरिटी, म्यूजिक, हम सब कुछ देख ले लेवानी है एंड ऑलमोस्ट सब कुछ होइए गेल बा। हां दी आप जैसन बोले रहनी ना सब कुछ ऐसे ने भइल बा, हमनी के बार के जन प्लानिंग बा वो फेल ना हो कि? दी हम दोनों से ज्यादा काम तो बेचारा आकाश के लिए बा, वही बात ध्यान में रखलस कि जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट हो रहा बा वहाँ कैमरा होके के चाहिए और वही के अकॉर्डिंग वो जगह भी चूज कैलस। इनफैक्ट ये सारा तैयारी इतना जल्दी कैलस कि कभी भी हमने चाहिए तो सारा अरेंजमेंट एक बार फिर से चेक कर सके नहीं। अब तू कहाँ खो गयलू, सारा काम टाइम से हो रहा बा, परेशानी के का बात है बेटा? अब ना दादी हम सोचत रहनी कि तैयारी तो हमने कर दे ले बानी, लेकिन हमने ये बोल रहा बानी कि तनु और उकर बॉयफ्रेंड वो ये बार ज्यादा केयरफुल रही है, कौनो भी ऐसा काम ना करी है जोना से वो पकड़ल जाओ, और वो हर कोशिश करी है कि वो कम से कम कैमरा के सामने बिल्कुल ना आवे। का पता इतना सारा सिक्योरिटी देख के वो कॉन्सर्ट में आवे के प्लान ही
ड्रॉप कर देवे त दे यही से त हम कहता नहीं कि आपके के कॉन्फिडेंस में लेवे के पड़ी काहे कि आप उनकर हेल्प करे के बहाने उनकर प्लानिंग जान सके नहीं और वही के अकॉर्डिंग हमने अपन प्लानिंग चेंज कर सके नहीं। मतलब ये है दी कि हो सकेला कि तनु और ओकर बॉयफ्रेंड आपके हेल्प करे के बाद पे थोड़ा डाउट करें। इनफैक्ट ये भी हो सकेला कि जॉन आप उसे बोले कि कहीं वो लोग ना करें और उल्टा वो लोग शायद ये बोले कि आपके उनके अकॉर्डिंग चले के होके तो वह करी ना वो लोग जॉन कहा तड़न आप वह करी और उनका हेल्प करे के बहाने आप उनका प्लानिंग जानी और हमके बता दी और यही बहाने हमने अपन प्लान लास्ट मोमेंट पर चेंज कर सकब। तनु के सामने लाए के अलावा वहाँ हमके एक और टेंशन रही हमके कुछ भी कह के इनके सबके सामने तनु से अपन शादी अनाउंस करे से रोके होखी पर ये काम हम करब कैसे। आलिया आलिया ओ गॉड तनु डरा देलू यार तू डरा देने डरावत तो तू हमके बाड़ू इका हाल बनवले बाड़ू खुद के आंख देखा खुद के और तू चेयर पे खाए सुत रहल बाड़ू। एक मिनट कहीं तू डिप्रेशन के वजह से ड्रग्स तो ना ले रहल बाड़ू। ओ शट अप ना तारे से हालत देखने हेला हम पूछ लेने तू सीधा सीधा बतावा जौने कामला तू गइल रहलू उ कइलू की ना डिटेल्स ले आइलू की ना। पेशेंस रखा इरल ई पेपर्स में कॉन्सर्ट के सारा डिटेल्स बा फैंटास्टिक तनु यू नो तू हमार बहुत बड़ हेल्प कैलू है थैंक यू सो मच। फ्रेंडशिप में थैंक्स ना बोले ले पर हाँ सीक्रेट्स जरूर शेयर करे ले। अली हम के अब तक समझ में ना आए कि तरह ई कॉन्सर्ट में तुम इतना इंटरेस्ट का है बा आई मीन का करबो ई डिटेल्स के। तनु ई डिटेल्स से ना हम अभिषेक प्रेम मेहरा के बर्बाद करब। हम भाई के कॉन्सर्ट डिस्ट्रॉय कर दे अपने आपके बहुत बड़ 30 मार खान समझे लेना कम बैक कर रहे बड़े नई कॉन्सर्ट के साथ सब कुछ बर्बाद कर दे बुनकर। आलिया प्लीज ऐसा कुछ मत करिया एटलीस्ट ई बार तो बिल्कुल भी ना तू कबो और कर दिया पर ई बार ना हम ये लॉस्ट इट जोने दिल जेल गए रहनी ना तनु वो दिन से हम ई दिन के इंतजार कर रहे बानी कि कब मौका मिले जब हम उनके बर्बाद कर सकें और ई है मौका हम और तू कहत बाड़ो हम कोने और दिन करी कब और करी। आलिया हमारे एक बार बात सुन लो बस हम काहे सुनी था हर बात तू सुना हमार बात हम उनके बर्बाद कई के रहब इट डजंट मैटर हम अपन काम पूरा कई के रहब। आलिया अभी कॉन्सर्ट में हमार और अभी के शादी अनाउंस करे वाला है और अपन सारा फैंस के बतावे वाला है कि कैसे प्रज्ञा हमने की प्यार और हमने की शादी के अगेंस्ट भी है और अभी के फैंस अभी की प्रोटेस्ट करी है और प्रज्ञा के खिलाफ बोली ताकि प्रज्ञा हमने की शादी होके देवे। आलिया आलिया ई कॉन्सर्ट में प्रज्ञा के बहुत बड़ हार है वो हमने की लाइफ से हमेशा हमेशा लचल जाए प्लीज आलिया ई कॉन्सर्ट होके दा। हमके प्रज्ञा के हार से कौनो लेना देना नहीं है तनु हमके सिर्फ और सिर्फ अपन जीत से लेना देना है और यही ला ई कॉन्सर्ट तब बर्बाद होके रहे। प्लीज आई बेग यू प्लीज ई कॉन्सर्ट होके दा तू अपन बदला तो कब्बो भी ले सकेलो लेकिन हमार शादी के यही राइट टाइम है आलिया और उकराला अभी की कॉन्सर्ट आज ही होकर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके लिसन एगो काम करा अभी के कॉन्सर्ट में अनाउंसमेंट कर दा शादी के फिर तरह के जे मन में होके तू कर लिया प्लीज प्लीज तब तक ला वेट कर ला प्लीज। ओके फाइन अपन होके वाला पति से ई कहिए कि ई अनाउंसमेंट थोड़ा जल्दी करे काहे कि हम अपना आपके ज्यादा देर रोक ना पाई तन पहले ही मुश्किल कम रहे जेगो और आ गई हमार तक किस्मत है खराब अब पता ना का होगी कॉन्सर्ट में। माजी हम तो सबसे पहले आ गई नी तारे साथ थोड़े ना आरती शुरू करब सब लोग कहाँ बाड़े महाजी सब लोग भी आ रहल बाड़न महाजी वैसे आज के दिन बा बड़ा शुभ आज कितना दिन बाद हमने सब इकट्ठा मिलके आरती करब। आकाश और राज कहीं ना दिख रहल अगर उहो होते तो कितना अच्छा होता राज भैया तो मीटिंग ला बाहर गेल बानी और आकाश और रोनी ये दोनों तो कॉन्सर्ट के इवेंट पे लागल बाड़े। दादी हमके भी जल्दी वहीं जाए के बाड़े वो काम करता नहीं जल्दी आरती खत्म कही के जल्दी से हमू निकलता नहीं अभी के तावे दा ओकरा लाही तक खास आरती रख ले बानी। अरे निखिल नमस्ते दादी जी कैसे बानी रहा। नमस्ते बेटा बहुत सही वक्त पे आयल बाड़ा हमनी के साथ आरती करा आवा सच में बहुत स्पेशल आरती नजर आ रहा बा पूरा फैमिली खड़ा बा। हाँ एक्चुअली निखिल आज दादी स्पेशली अभी खातिर आरती रख ले बाड़ी ओकरा कंसर्ट खातिर तो एको काम करा हमने के साथ आरती करा फिर हमारा साथ चला ओकरा कंसर्ट के अरेंजमेंट खातिर समझ में ना कॉन्सर्ट व्हाट कॉन्सर्ट अभी के कॉन्सर्ट और के कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट वाह
आई वुड लव टू हेल्प यार, और अभी दिखाई ना दे रहा, लेकिन इला उहो आ गए। हे निखिल। हे मैन। हाउ आर यू? फाइन, सी यू। चलाव सब लोग आरती कर ले, हल जाओ। हे भगवान, आप तो हर युग में बुरे पे अच्छाई के विजय दिलावले बानी, फिर काहे हमार बच्ची के इतना अंताहल ले रहल बानी। आज ओकर साथ दे हे भगवान, ताकि वो तनु के झूठ में अपन सच के जीत हासिल कर सके भगवान। अभी बेटा आओ ना, आरती कर ला और भगवान के आशीर्वाद ले ला बेटा। दादी आप जाने लें कि हम भगवान पे विश्वास न करेंगे। पर बेटा ये आरती तो हम स्पेशल तहराला रख ले बानी। दादी आप हमरा लाना सही था, अपन होके वाला बच्चा खातिर ही आ जाओ बेटा। दादी हमारे के सपना बा के हम तनु से शादी करें। और अकरा हम पूरा करके रहा, फिर भले ही केहो जले या ना जले। हमार भी एक ही सपना हो, तनु की असलियत आपके सामने लाए, फिर चाहे आप हमके अपनावे या ना अपनावे। अगर अगर आज भी हम ऐसे न कर पाएनी तो ये घर हमेशा हमेशा ला छोड़ के चल जाए। हे भगवान, आज आप ही हमारे हेल्प कर दिया, ताकि हम वो ब्लैकमेलर के पकड़ के अपन रास्ता हमेशा हमेशा ला क्लियर कर ली। तनु, कुछ ना होगी, रचना तनी बर्फ ले आओ। कैसे लग रहा बानी हम? अच्छा बा। माँ जी सब क्यों आगे बाड़न वेट के कर होता, चला सब लोग गाड़ी में बैठा चला जा। बेटा प्रज्ञा आवे ना पहले, उहे तो बताई कि हमने के कहां कहां बैठे के बा, ना तो छोट से बात ला
मुंह बनाई हमनी के मूड ऑफ हो जाई। बाकी प्रज्ञा इतना इंतजार कहे कराताड़ी बाहर कहे नहीं खियावत और रचना भी नहीं दिखाई दे वो कहाँ बाड़ी। रचना ना जा रल ब्याह घर पे रही कहा है बिट्टू बीमार बा ना एहिला। अरे इतना का तैयार हो दिया मोगैम्बो कॉन्सर्ट हमार खुद बया एकर दिमाग खराब कर देली आपन कॉन्सर्ट पे जाए खातिर हमके ओकर वेट करे के पड़ता। सॉरी आओ हमके देर हो गल तहरा अकल ताई जी ताऊ जी आप लोग एक गाड़ी में आ जाइए दादी तनु और मिताली भाभी एक गाड़ी में आ जाइए हैं आप हमारे साथ आवा। काहे तहर शादी बका हां हम तनु के साथ आई बू भी अपन गाड़ी में चला तनु हम आपसे पूछना रहल बता रहल बनी आप कैन व्हाटएवर आई से इज फाइनल हम कहनी ना गाड़ी में बैठा तो हमके फोर्स ना कर सकेलू ऑलराइट हम आपके बॉस बानी कुछ भी कर सकेनी तू कुछ भी कर सके लू तो जा के कॉन्सर्ट में परफॉर्म करा हमके काहे ले जाते रो अपना साथे हां। अरे छोड़ा ना बेटा काहे जीत कर हलबाड़ा छोड़ से बात है जैसन कहतिया मान ले ना अच्छा कामला जा रहलबानी मूड खराब ना करे हां अब ऐसे ऐसे कैसे मना कर सकेले हमार पैसा लागल बा वो कॉन्सर्ट में हमार इतना लॉस होखी। अरे तो हाँ प्रॉफिट एंड लॉस के ठेका लेके थोड़ो ना रखले बानी हम ना आई हम जाकर ला जाऊं करे के बाद अभी अभी का बच्चन की तरह लड़ हल बड़ा तू अगर हमने कॉन्सर्ट में ना गई नहीं तो तू पब्लिक के कैसे बताइबा कि प्रज्ञा हमने के शादी के अगेंस्ट भी आ। अरे हाँ वो तो हम भूल ही गई नहीं मतलब जाए के तो पड़ी एगो काम करता नहीं तनी मजा लेता नहीं एकरा गाड़ी में घूमे के बहुत शौक बाना खूब घुमाई एकरा गाड़ी में हाँ हम कॉन्सर्ट में जाए खातिर तैयार बनी लेकिन हमारे को शर्त बा। कौन से शर्त? गाड़ी हम चलाएब। आप कार ना चलाई। ठीक बता कॉन्सर्ट में अकेले जा हम नहीं खियावत। ठीक बा। सिर्फ देर हो रहल बा एहिला हम आपके गाड़ी चलावे दे रहल बारी। चल आप जल्दी से। कुछ भी कर सकेलू ना तू एडवेंचर भी एडवेंचर बैठा गाड़ी में पता चल जाये थैंक गॉड अभी प्रज्ञा के साथ जा रहल बा हमके कौनो तरह जाके निखिल से मिले के होखी सब अरेंजमेंट होकर कोनो काम बचल था ना डोंट वरी पूरा एवरीथिंग इज इन सब ऐसे भइल बा जैसे हमनी के प्लान केले बनी और हाँ यहाँ पे एक भी कोना ऐसा नहीं के जहाँ पे हमनी के नजर ना होखी और वहाँ क्राउड में हमनी के सिक्योरिटी गार्ड्स पड़े। दैट्स ग्रेट आकाश तू तो हमनी की उम्मीद से ज्यादा ही काम कर लेला और अब देखिया हमनी की नजर से बच के ना एक परिंदा भी बाहर ना जा पाई हमार मतलब बिना टिकट के केहू भी अंदर ना पाई। रॉनी हमके तो और पॉइंट समझ में आ गया आई गॉट द पॉइंट सर प्रज्ञा मैम ना आई अभी तक एक्चुअली अभी निकलनी है ऑन द वे होके अब तो उनके आइए जाए के चाहिए फैंस इंतजार कर रहा बाड़न आप एक काम करी जब तक तो लोग आवताड़न फैंस को थोड़ा कंट्रोल करी श्योर थैंक यू। काबिल पूरब एवरीथिंग इज ओके कुछ गड़बड़ तो ना हो गई आकाश सब ठीक बा पर अभी भी कुछ काम वजन बाकी बा कैसन काम चलो हमारे साथ चलो चलो फॉर हेवन सेक तनु कबो तो टाइम पे आई करा पार्टी में इनवाइट रहलू जितना लेट आईलू है आधा घंटा से हम तुम्हारे इंतजार कर रहे बानी गाड़ी में। निखिल कम ऑन थोड़ा सा शांत हो जा और ब्लैकमेलर पे फोकस कर अगर एक और गलती हो गई ना तब हमने अफोर्ड ना कर पाई। हम शांत बानी तनु तू प्लीज नर्वसनेस के कंट्रोल में रखा आई होप यू नो की गलती हमेशा तुम्हारा सा ही होके ले। आई नो आज हम बहुत नर्वस बानी थोड़ा सा डर भी लग रहा बा हमके पता ना हमने जो प्लान बनावले बानी वो सक्सेसफुल होखी भी कि ना अगर अगर प्लान फ्लॉप भी होत ना तब आई जस्ट होप कि एवरीथिंग गोज राइट। अगर ऐसा बात है जैसा हम कर बानी वैसा नहीं कर प्लीज बी पेशेंट हम अपन आदमियन के वहाँ क्राउड के बीच में रख ले बानी कोनो भी प्रॉब्लम होगी तो वो संभाल ली है लेकिन हमने तब तक कोनो एक्शन ना ले जब तक पहला क्लू प्रज्ञा से ब्लैकमेलर के बारे में मिल नहीं खींचा इज दैट क्लियर। यस यू आर राइट आई थिंक हमके
हमके प्रज्ञा के फोन कई के पूछे के चाहिए कि कहीं अगर ब्लैकमेलर से बात ना भाई। फिर वही बात कहले रहनी तोरा के जस्ट बी पेशेंट, पहले प्रज्ञा के यहाँ पहुँचे तो दा। राइट, वो अभी के साथ कॉन्सर्ट में जा रहा लोगी, तब अभी के सामने वो हमसे बात भी ना करी। और आलिया के बारे में तो हम भूल ही गए नहीं, वो पे भी तो नजर रखे के होके। अगर अभी के अनाउंसमेंट से पहले ही वो कॉन्सर्ट के स्पॉइल कर दे लगता ना, हमके ऊपर नजर रखे के होके। वो बिया कहाँ? अब क्या सोच रहा बालू? सोचत बानी आलिया के फोन कह के पूछ लेता नहीं कि वो कहाँ पहुंचल बिया। लोग बिल्ली के रास्ता काटे से बचे ले, और हम एगो बिल्ली हमेशा अपन साथ रखेनी। एकर तो फोन भी उठवनी तो हमार काम खराब हो जाए, जब देखा अपन प्रॉब्लम सुनावत रहे ले। बट आई कांट अफोर्ड एनी मेस हियर। यहाँ तक तो पहुँच गई नहीं, पर अब हमके होशियार रहे होखी, इनफैक्ट छिप के ही रहे होखी, ताकि घर के केहू हमके देख ना लेवे। आलिया? मतलब राज भैया के शक सही रहे, आलिया यहाँ शो एंजॉय करने की आई, एकर दिमाग में कुछ और ही चल रहा। एगो काम करता नहीं, चल के तनी पूछा था नहीं, यहाँ आई काहे भैया? हाय आकाश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कैसे बड़ा तू? हमार छोड़ा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई श्योर तू यहाँ भाई के कॉन्सर्ट एंजॉय करतो आइल ना, ना कोनो फैमिली मेंबर के साथ बॉन्डिंग बनावे। यस यू आर राइट, हम यहाँ केहू के साथ अपन पर्सनल बॉन्डिंग बनावे ना आइल बानी, और ना ही तहरे बड़ा भाई के कॉन्सर्ट एंटरटेन करे आइल बानी। कहना हम यहाँ कोनो पर्सनल काम से आइल बानी। पर्सनल काम? रियली? एक्चुअली हमके कुछ स्पॉन्सर से मिले के रहल, बहुत दिन से उनके साथ कुछ मीटिंग अरेंज करे के कोशिश करत रहनी, लेकिन उनके टाइम ना मिलत रहे, सो हम सोचने कि आज यहाँ पे मिल ले, टाइम के प्रॉब्लम भी ना रही। लेकिन हाँ, अगर बाकी लोग के तरह तहरा के भी हमार लाइफ में आगे बढ़े से कौनो प्रॉब्लम है और इफ यू माइंड, तो हम चल जाता नहीं उनसे ना मिले। नो आई मीन इट्स ओके, यू कैन स्टे, बट स्टे से दूर रहिए। और जहाँ तक तुम्हारी स्पॉन्सर और मैनेजर के बात बा, उन लोग से बात हम कर ले, उनका से बोल दे कि तुम्हारा प्रपोजल सुन ले आके। थैंक यू सो मच आकाश, तू हमार कितना बड़ा हेल्प कैला, ये तू भी ना जानेला। यू नो व्हाट, आई ओ यू वन, हम तुम्हारा एहसान कबो ना भुलाई, तू हमार बहुत बड़ मदद कैला, थैंक यू सो मच। वेलकम। अगर ये ऐसे ही कार चलावत रही है ना, तो हमने कल पहुंचे कॉन्सर्ट पे, और हमार तनु के फंसावे की प्लान फ्लॉप हो जाए। कब हिल? मजा नहीं किया? क्या बात कर हलमानी, हमके तो बहुत मजा आ रहा हलबा, लेकिन आपके जो फैंस बड़े ना, उनके बहुत गुस्सा आ रहा होगी। जिक्र पास आपकी जल्दी पहुंचे की चाहे, लेकिन आप बानी की ऐसे गाड़ी चला रहे हलमानी, ये कछुआ छाप चाल आप हमके चिड़ावे खाते चल रहे हलमानी। आप देखा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रेस में ना जा रहल बानी आप, कॉन्सर्ट में जा रहल बानी। जॉने के हिट कराए जरूरी है, जॉने खातिर फैंस के खुश रखे चाहे, लेकिन आप तो उनके गुस्सा दिला रहल बानी। प्लीज थोड़ा तेज चलाई, वरना वो आपके फैंस इंतजार करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाई हैं। वो कॉन्सर्ट ही का जहाँ फैंस आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, और ये बड़ लोग के आदत बा, जहाँ भी जाए लेना लेट जाए ले, वो वाला लेट ना, ये वाला लेट। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो के वो लोग तोड़ फोड़ शुरू कर देवे तो? तब तो प्रॉब्लम हो जाए, तब तो तहार पहुंचल बहुत जरूरी बा ना, अगर तोड़े के बाद तहार सर तोड़िए ना। ऑर्गेनाइजर तो तू ही बाड़ू। हमके लेके आपके हमेशा मजाक सूझे लाही, लेकिन लेकिन अपन शो के बारे में आपके सीरियस होके चाहिए ना, आपके कम बैक शो बाई। और तुहार गो बैक। गो बैक? अरे वो सब छोड़ो, हमने जितना सारा सॉन्ग डिसाइड कर ले रहनी ना, हम ओकरा में से कुछ कम सॉन्ग्स गाइब, काहे के हम हो जा कुछ और भी करे वाला बानी। ऐसन का करे वाला बानी आप जे हम ना जानी ले? वो बहुत बड़ सरप्राइज बा, जकरा सुने के बाद केहू के दुनिया हिल जाई। स्टेज मत हिला दिया, टूट गए ना तो आपके फैंस आप पे ही हंसी। वो तो शो के बाद ही पता चली कि के केकरा पे हंसी। वो देखे खातिर ना कॉन्सर्ट में पहुंचे चली पड़ी पहले, हम की बात समझ में ना आ रहा, पहले तो आप अपन कॉन्सर्ट ला एक घंटा पहले पहुंच जात रहला, ताकि आप स्टेज से फेमिलियर हो सके। ये अचानक चेंज का है? तू भी तो पहले चश्मा पहनत रहलू, हाँ? लेकिन अब तू ना पहने लू,
जब लोग अपन कैरेक्टर बदल सकेले तो हम तो सिर्फ अपन आदत बदल ले बानी। लेकिन हम देखा तोहरा घर जल्दी पहुँचे के बना तो तू ऑटो लेके पहुँच जा, जल्दी पहुँच जाइबू, हम तो अपना टाइम से ही पहुँचब। ये हमारा आखिरी प्लान है, लेकिन अगर हम टाइम पे ही ना पहुँचनी तो अपन प्लान शुरू कैसे करब? कुछ तक करे पड़ी। अब चलावत राज जैसे आपकी गाड़ी चलावे के बा, जब दादी हमसे पूछे ना कि उनकर दवाई उनके वक्त पे काहे ना मिलल, आप जवाब दे दे हिया। दवाई? हाँ दवाई। दादी आपन दवाई हमरे पास रखवले बानी। हमके डर लग रहल बा कहीं उनकर तबियत ना खराब हो जाए। तू पहले ना बता सकत रहलू का? ध्यान से सुना, यहाँ से अब हमनी के अलग हो जाए। चेहरा पे 12:30 मत बजे दा, देखे ला कह के थक गेल बानी हम, और हमरा तरफ मत दिखाई से, न बात करे आवा न देखा, और अगर कोनो भी काम होके तो हमके मैसेज या फोन करिया, ठीक बा? जगह जगह पे कैमरा लगल बा, और हमने की चैनित कि हमनी के चेहरा कोनो भी कैमरा में दिखे। आई होप दैट्स क्लियर। ओके अब जा जल्दी। तनु, थैंक गॉड तू हमके यही मिल गई। तू एगो काम करा, तू प्लीज स्टेज पर चल जा। तू प्लीज, तोरा पता बा अभी के फैंस पागल हो रहल बड़न, अभी पता ना कहाँ बा स्टेज पर अभी तक आयल ना, वो लोग कितना चिल्ला रहल बड़न वहाँ। तू एगो काम करा, तू प्लीज स्टेज पर जा, उनसे तनी बात करा, उनके थोड़ा एंटरटेनमेंट करा, आई एम श्योर वो लोग नॉर्मल हो जाइए। और तोरा से अच्छा ही काम के कर सकेला, जब तक अभी नहीं खावा तब तक। ये अभी भी पता ना इतना देर कहे लगा रहल बा अब तक। तो सुनी, आपके दी ग्रीन रूम में रह खातिर बोलोले बड़ी, तो प्लीज अब हमारा साथे चली। अब कहाँ है तोरा साथ, कहाँ जाए? ये स्टेज पर जा रहल बड़ी, जब तक अभी नहीं खिया तो स्टेज पर ही रहियन। हाँ लेकिन दी की ऑर्डर बा कि उनका हमारे रूम में रखल जाए, तो आपके हमारे साथे चले पड़ी। ये तो दी के घर नहीं के जहाँ तुम्हारा ऑर्डर चली, समझ ला। हाँ लेकिन शायद आप भूल रहल बानी कि जो कंसर्ट बना वो हमारे दी ऑर्गेनाइज करे बड़ी, तो यहाँ पे ऑर्डर दे सकेली और आपके भी। तू डरावत आड़ा हमके? ना डरावत नहीं की, हम तो बता रहल बानी कि उनका पावर का बा। क्या बात है रोनी, तुहार दी हर केहू के ना अपन इशारा पर नचा ना सके लिए, समझला। हाँ लेकिन अपन इशारा पे गाना जरूर गवा सके लिए, आई मीन उनकरा ही कहले पे अभी सरी शो करल बड़े, तो उनकरा के कहले पे आप हमारे साथे भी चली। तनु एगो काम करा, तू ही डिसाइड करा कि तोरा का करे के चाहिए। तोरा के अभी के पास जाए के चाहिए, कैसे तू ओकरा से प्यार करे लो, तो के स्टेज पर जाए के चाहिए, अब आगे तुहार मर्जी। हाँ सोच ली, दी के ऑर्डर मना कर लूँ तो कुछ भी कर सके ली। आई एम सॉरी पूरब, हम क्या आई थिंक प्रज्ञा से मिले जाके चाहिए। ठीक बा, एज यू विश। चलो प्लीज। वेलकम सर, हाउ आर यू मैन? आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सॉरी सर, बाकी ये बार हमने आपसे बहुत नाराज बनी, आज तक आप अपन कोनो कॉन्सर्ट में लेट ना भेजनी, फिर एक बार इतना लेट का है? हाँ एक्चुअली ये हमरा वजह से नहीं कि हमारे बॉस के वजह से भइल बा, हम गाड़ी फास्ट चलावत रहनी तो ये कहले कि गाड़ी स्लो कर दा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब बॉस कहले बड़े तो माने के तो पड़ी, फिर ओकरा बाद हमारे बॉस ये कहले कि बड़ लोग जहाँ भी जाएले हमेशा लेट ही जाएले, इसे उनकर इज्जत बढ़ेला। एज यू नो बॉस इज ऑलवेज राइट। करेक्ट। वेलकम मैडम। वेलकम। एक्सक्यूज मी। सुनो ये कह रहे ग्रैंड वेलकम, अब तू हमके इतना टॉर्चर करेलू तो हम सोचनी कि हमके भी एगो सरप्राइज देवे के चाहिए, तब अपन आउट जोन बना ओकरा खुलल रखिया, सरप्राइज कबो भी मिल सकेला, और सरप्राइज में कुछ भी मिल सकेला, कहे कि हम तनी जेनरस बानी, हम तरह के अभी एक मौका देता नहीं, हमके डिवोर्स दे दा, बहुत बड़ मुसीबत टल जाई। Your choice. It's time for the rocking roll then. ना प्रज्ञा, आप बिल्कुल ना डरे के चाहिए, कुछ मत सुने, सिर्फ अपन मकसद पे ध्यान दी। हाँ पूरब, हाँ आगलबानी, कहाँ बड़ा तू? ओके हाँ पूरब, हो गल बा सब तैयारी? दी सब तैयार हो गल बा, सब कुछ हमने के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा बा। और तनु
उ अभी तक आयल केहू के साथ आयल या केहू से मिल रहल बिया का कुछ भी ना दी। उ अकेले आयल रहे, जब से आयल बिया तब से अकेले बिया, और उ केहू से कांटेक्ट भी ना कैलेस फोन पे। जैसा ना बोल रहनी हम ओकरा उ जगह पे पहुंचा देनी और उ ओइजे पे बिया दी। अब सर सारा कैमरा चेक कैला ना, हमार मतलब कि ऐसा ना हो कि जहाँ तनु अपन बॉयफ्रेंड से मिले वही कैमरा खराब निकले। दीदी हमने सब कुछ चेक कर ले बनी, सब कैमरा ठीक बा, सब परफेक्ट बा। हाँ वेरी गुड। वो केहू भी हो सकेला, और हो सकेला भेस बदल के आयल होके एला हमनी के ज्यादा अलर्ट रहे होगी, हो सकेला हमनी के आस पास ही होके लेकिन हमनी हो की ना पहचान पाई। दी आप टेंशन मत ली, सब हमने देख ले। एक बार तनु के बॉयफ्रेंड बच के निकल ना पाई, इनफैक्ट उसे पहले हम आपके कुछ दिखावे के बाद ही आई एम श्योर वो आपके पसंद भी आए। प्लीज चलिए ना। ठीक बच चला। पूरब तू हम के मॉनिटर रूम में काहे लेके आ रहल बड़ा? दी आप चलिए तो आपके सब कुछ समझ में आ गया। तू समझ ना रहल बड़ा, कॉन्सर्ट शुरू हो गल ता हम कुछ ना चेक कर पाई। हम सच कह रहल बानी पूरब। माँ पूरब माँ यहाँ का करल बानी, माँ आप ठीक तो बानी ना? रिलैक्स रिलैक्स दी, माँ के हम यहाँ लाइल बानी। दी आज हम दी जन करे जा रहल बानी, ओमे माँ भी हमने के मदद करी हन। पूरब माँ कैसे कोनो मदद करी हो, उनकर तबियत तब दी आप स्क्रीन देख रहल बानी ना, बाहर रॉक कॉन्सर्ट में जोन कुछ भी हो रहल बा, जितना भी कैमरा बा ओका सारा फुटेज यहाँ पर भी बा। कहे कि एगो माही बड़ी जे तनु के बॉयफ्रेंड के देख ले बड़े से हमने की इनके यहाँ बैठे ले बानी। दी कैमरा में कहीं कहीं भी तनु के बॉयफ्रेंड देख सकेला, और अगर माँ के देख ले ली तो पलक झपका के हमने के बता सकेली कि क्यों तनु के बॉयफ्रेंड। पूरब ये तो ब्रिलियंट आइडिया हो, तू बहुत अच्छा कैला। अब हमके वाकई लग रहा बाकी जौने जौने इंसान के इतना दिन से ढूंढत रहनी ओके आज वाकई वाकई ढूंढ ली, हम अपन मकसद में कामयाब हो जाए। माँ माँ हम तो सिर्फ आपके आशीर्वाद मांग ले रहनी, अब तो हमार शादी भी आ गई यहाँ। हम आपसे कहले रहनी की सिर्फ सिर्फ अपना हाथ रख दी हमार सर पे, और आप हमार हमारा हाथ बटावे खातिर यहाँ गई नी। आप ना जाने ली कि आपकी यहाँ आईला से हमारा हौसला कितना बढ़ गई। अब हमके वाकई लग रहा बाकी हम अपन मकसद में कामयाब हो जाए। देखा वो इंसान जे केहू भी बाऊ हमने की नजर से बच सकेला, लेकिन आपकी नजर से ना जे भी आपके साथ ये सब कैलक आजू पकड़ल जाए, और एक बार हमने यू की ढूंढ ली ना तो सब ठीक हो जाए। दादी आज आपके आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाए। हाँ बेटा सब ठीक हो जाए, अपन मकसद पावे खातिर जितना तू मेहनत कैले बाड़ू ना, मेहनत ना बेटा तू तो तपस्या कैले बाड़ू, और हर तपस्या के फल भगवान जरूर देवे ले। जो भगवान के साक्षी मान के तू शपथ ले ले बाड़ू, वो भगवान के तहरे माँ के साथ तार शादी के बचावे ला आवे पड़ी। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाई। वाहे गुरु जी करी है, सब ठीक हो जाए बेटा। देख बजा के अभी के चेक कर लेवे के चाहिए कि वो तैयार भइल कि ना, क्राउड बहुत शोर मचा रहल बा, एक बार चेक कर ले ली अच्छा होगी। रॉनी माँ और दादी के ख्याल रखिए, हम अभी आवतन। हाँ भाई अब चिंता मत करी, हम बानी ना। माँ हम अभी आवतन, चल। दादी माँ आप बैठिए ने। हाँ बेटा। गुड इवनिंग गाइस एंड नो गुड इवनिंग टू यू। और तू जल्दी, व्हाट्स योर नेम? अशीन। शीन, इससे पहले तू कब हमारे मेकअप के लिए बा? ना सर फर्स्ट टाइम बा। फर्स्ट टाइम, कैसा लगा था? सर थोड़ा नर्वस बानी, बहुत खुश बानी बट। हम भी बहुत खुश बानी तुम्हारी लंबा बाल देख के। थैंक यू सर। बहुत सूट करता तरह के, पता बा पहले हमार भी लंबा बाल रहे फिर कटवा दे ली हम। फिर वैसे तू बहुत गुड लुकिंग बाड़ा, तोहरा तेरी मॉडल होके के चाहिए। तू का करत आड़ा यार, बाहर सारा मीडिया पब्लिक तुम्हारे वेट करल बा, और तू यहाँ टाइम पास करल बाड़ा। अरे इट्स ओके यार, इंतजार करेगा। तू बात कहे करल बाड़ा, रेडी कहे ना होता, मेकअप कराओ ना यार प्लीज यार। मेकअप ही तो करवाओ था नहीं यार। हाँ हाँ आप लोग एक काम करिए, आप सब रेडी हो के सिक्योरिटी हटाएंगे हम, ओके जल्दी भेजाता नहीं। ओके तू जल्दी रेडी हो जाए यार। सर आई। अरे बहुत जल्दी बाका, स्टेज पे जाके बता रहा कि सर आपके जाएक बना। देखा हम कोनो भी काम जल्दबाजी में नहीं करे चाहत, पता बा अगर काम अगर जल्दी जल्दी होके ना तो उसे हमारे काम भी खराब हो खेला और मूड भी। हाँ 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 सुपर्ब।
मजा आ गया। सर आप लेट तो नहीं की हो कि आपके फैंस वेट कर रहा है। अरे वो हमार फैंस पड़े हम के उनके हैंडल कैल आवेला। हम अपन काम कर ले, तू अपन काम धीरे धीरे करा, हमार मतलब बा अच्छे से करा। सर हम तो बस आपके लैपडांस देवे के चाहत रहली। ना ना देखा, हम ना तो केहू के सजेशंस लेवेली और ना ही केहू के ऑर्डर। डू यू गेट दैट? ये खातिर हम अपन काम जैसे करे चाहब ना ओकरा वैसे ही करब। ई ठीक करल बानी, ये अपन मर्जी के मालिक बानी ना, ई जैसन करल बानी वैसने करा। देखला जब तोहर मालकिन के ही प्रॉब्लम नहीं खे तो तू काहे टेंशन लेता रहा। रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। अभी तू का कर रहा बड़ा? का हो रहा भाई साहब, अभी तक रेडी का ना भी? मम्मी रिटर्न्स। तू काई लगा के बैठल बड़ा? अरे रिलैक्स यार, दिस इज माय फेस कवर। पूरे रहे द ना, इनकर सो है ना, इनकर जितना वक्त लेवे के बाले वे द। तू ऐसन कर बाहर उस सिक्योरिटी इंचार्ज हो कि ना, ओके अंदर भेज दे, एको जरूरी काम है। हम बुलाओ तनी। ई तू सिक्योरिटी के कहां अंदर बुलेलू? पता चल जाई। हाँ आप ऐसा कर, आप कुछ 30-40 किलो सड़ल टमाटर और अंडा के इंतजाम कर ला। ओके मैम, इतना सारा अंडा और टमाटर? हाँ, और ओकरे बाद वो अंडा और टमाटर ऑडियंस में बटवा दी है। उमे से केहू एक के पैसा दे दी है और कहिए कि अगर सो वक्त पे ना शुरू हो तो जी केहू भी परफॉर्म करे आई ओकर स्वागत अंडा और टमाटर से होगी। और हाँ कुछ कुछ चप्पल भी बटवा दी है, या फिर ऑडियंस के बोली है कि अपनी चप्पल फेंक के मारे ओकरा ला हम इंतजाम कर दे। और उस सब के फोटोग्राफ्स हमके कल पेज 3 में चाहिए, राइट? ओके मैम, हो जाए। टेक योर टाइम, असली सो तू अब शुरू होगी। बहुत हंसी आवाज बता रखे। हाँ अरे वहाँ पे हमारे फैंस हमारे इंतजार कर रहे थे। तू यहीं जा, की हंसत जात बड़ा। और तू केकरा बगल के लिए खेल बड़ो? हाँ ये मेकअप वाला बाकी सिर्फ बात का इलावा लायक रखे। अरे क्यों एक रखे हीरो का बोल देले सी अपना आपके हीरो समझे लागल। हंसा ना। मेकअप कर जल्दी। देखिए जॉन, अंडा टमाटर के आइडिया बे के प्लीज कैंसिल कर दी ना, फालतू में एक आपके सब कर बेचती होगी। छोड़ी ना, हम एक लेके आवता नहीं, जल्दी लावता नहीं। ये तो तू अपन दोस्त के समझावा, बाकी हम तो ऑर्डर दे चुकल बानी। ऑल द बेस्ट। यार देखा ना, आज के सोता शुरू ही ना हो रहा। कॉन्सर्ट में तो आ गेल बड़ा, फिर स्टेज पे काहे ना आ रहा बड़ा? इतना लेट तो कबो ना हो यार, हमके तो लगा था शो ही ना होखे वाला बा। यार ऐसे कैसे ना होई, पैसे खर्च कर ले बानी होई। यहाँ तो हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स पड़े, हमके जे भी करे के बस स्टेज के पास ही जाके करे होगी। पूरा सेटअप बिगाड़ दे तो पूरा शो स्पॉइल हो जाए। यहाँ भी गार्ड्स पड़े, भाई के कॉन्सर्ट पे इतना सिक्योरिटी तक कबो ना हो खेले, फिर आज इतना टाइट सिक्योरिटी काहे बा? सुना देखा, ये जगह के आसपास ही रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर, यहाँ पे क्यों भी अंदर ना जाके चाहिए, कोनो भी तरह के कोनो भी गड़बड़ ना हो के चाहिए। ये आकाश का कर रहल बा, कहीं ओके हम पर शक तो ना हो गई? इट्स ओके यू कैन स्टेट, बट स्टेज से दूर रहिए। जितना चाह सिक्योरिटी लगवा ला, पर आज हम पीछे ना हटे वाला बानी। आयल बानी तो अपन काम कई के ही जाए, हम साउंड डिवाइस ही खराब कर देता नहीं, माइक स्पीकर ना चली है तो शो कैसे होगी? पब्लिक पहले ही हाइपर हो रहल बा, शो में कौनो भी गड़बड़ हो गई तो इनके सब्र के बांध टूट जाए, फिर हमके कुछ भी करे के जरूरत ना पड़ी, जे करी पब्लिक करी। पर साउंड सिस्टम बिगाड़ी कैसे? कितना लोग बड़े वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड्स तो डोर डोर पर खड़ा बड़े, और अगर केहू फैमिली मेंबर देख ले लगता शो ना हमार प्लान ही फ्लॉप हो जाए।